एल्कोप डीएक्स प्लस सिरप जो कि बनाया जाता है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। 86 रुपीज़ का ये सिरप रहता है, जिसका क्वांटिटी की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो 3 दवाई डाली गई है और ये 86 रुपीज़ का रहता है, जो कि 100 ml की बोतल में रहता है और अम्बर कलर की बोतल में रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करूँ तो क्लोरपिनिमाइड मैलेट इसके अंदर डाला गया है, फिनलफ्रिन इसके अंदर डाला गया और डेक्सट्रोमिथोफिन इसके अंदर डाला गया। ये सिर्फ 3 कंटेंट से बनाई गया ये सिरप है, जो कि यूज़ होता है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि इसको यूज़ किया जाता है कप के अंदर, इसको यूज़ किया जाता है और कप जो कि कौन सा कप रहता है कि 2-3 टाइप के कप रहते हैं, तो ये ड्राई कप में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको एल्कोप डीएक्स प्लस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एल्कोप डीएक्स प्लस जो कि बनाया जाता है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, 86 रुपीज़ का ये सिरप रहता है, जिसके अंदर फिनलफ्रिन्स, क्लोरपिनिमाइड्स मैलेट और डेक्सट्रोमिथोफिन हाइड्रोब्रोमाइड्स रहता है और ये सिरप जो कि यूज़ होता है ड्राई कप के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा पिला रहे हो बच्चे को या बड़े को तो नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, उसको भूख कम लग सकता है और उसको हेडेक हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जब भी इसको पिलाए तो डॉक्टर की सलाह से पिलाए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिलाए और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक सिरप काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर 3 दवाई डाली गई है, जो कि इसके अंदर फिनलफ्रिन्स, क्लोरपिनिमाइड्स मैलेट और डेक्सट्रोमिथोफिन हाइड्रोब्रोमाइड्स डाला गया, जो कि ड्राई कप का ट्रीटमेंट करता है। फिनलफ्रिन्स एक डीकोगुलेंट है जो कि पतला कर देता है ब्लड विजल्स को, जिससे क्या होता है कि कंजेस्टन और स्टफनेस नहीं होता है। क्लोरपिनिमाइड्स मैलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि एलर्जिक सिम्टम जैसे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, सीजिंग होना, उससे रिलीफ देता है। और डेक्सट्रोमिथोफिनमाइड्स हाइड्रोब्रोमाइड जो कि एक सप्रेसेंस है, जो कि कप को कम कर देता है सेंट्रल ब्रेन से, जिससे क्या होता है खांसी वगैरह कम हो जाती है। तो ऐसे काम करता है ये सिरप। तो इस सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।